सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनके नाइक ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। एंड देख सकते हैं आप किस तरह से उड़ीसा के अंदर ये 3 ट्रेन एक साथ भिड़ गए हैं। एक तो कोरोमंडल है, एक मालगाड़ी है और एक तो हावड़ा स्पेशल क्या था। तो ये तीनों मालगाड़ी तो छोड़ दीजिए, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन थे, एक्सप्रेस ट्रेन थे। तो ये बहुत सारे यात्रियों को लेके जाते हैं और सुपर फास्ट ट्रेन था। तो दोस्तों देख सकते हैं कितनी किस तरह से भीड़ जमा हुआ है। और अभी अभी मेरे को दिख रहा है कि वहाँ पे देखिए हेलीकॉप्टर से नवीन पटनायक जी यहाँ पे आ रहे हैं, वो अपनी आंखों से ये सब चीज़ देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे सुविधाएं रखा गया है लोगों को रखने के लिए, जिन लोगों को चोट लगा है या फिर जिन लोगों को मतलब नुकसान हो चुका है जिन लोगों का। तो रेस्क्यू टीम कितना सब यहाँ पे पहुँच चुके हैं, आर्मी पहुँच चुका है, पुलिस फोर्स पहुँच चुका है, तो सब लोग मिल के यहाँ पे काम करते हैं। दोस्तों दुनिया में लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट कुछ करता नहीं है, गवर्नमेंट बहुत कुछ करता है दोस्तों, लेकिन हमारे बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। हम लोग सुना घर पर बैठ के टीवी में देख लें, लेकिन जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उन पर क्या बीत रहा होगा, कितना तकलीफ में वो लोग काम करते होंगे खुले होने लोग को पता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से सब तैयारी कर चुके हैं पहले से कि हाँ किसी को रखना है, रेस्ट लेना है, सब कुछ रेडी हो चुका है। तो ये बहुत दुख भरी कहानी है दोस्तों। तो देख सकते हैं किस तरह से लोगों का मतलब सोच के क्या निकलते हैं घर से, कब क्या हो जाए कुछ बता नहीं सकते। इसलिए मैं आप लोगों से एक ही विनती करूँगा कि जो भी पल मिलता है ना उसको इन्जॉय कीजिए, सबके साथ खुशियाँ बांटिए, सबको खुश रखने की कोशिश कीजिए। अरे भाई आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब इतना आसान है दोस्तों। ये एक बहाना का एरिया है, उस जगह का नाम उस एरिया में